विधानसभा में भाजपा को रणनीतिक पराजय देते हुए कांग्रेस ने गोटे गांव से विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति को अध्यक्ष बनवा दिया। प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने नियम का हवाला देते हुए एनपी प्रजापति को स्पीकर बनाए जाने की घोषणा की। हालांकि इस पर भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने धनी मत से प्रजापति को स्पीकर घोषित कर दिया। इसके बाद बसपा विधायक की मांग पर सदन में मत विभाजन कराया गया और 120 विधायकों का वोट पाकर एनपी प्रजापति स्पीकर चुने गए और उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। भाजपा ने कांग्रेस पर परंपरा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सीएम कमलनाथ के इस्तीफे की भी मांग की। भाजपा पूरे मामले पर संविधान विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। आज हमारे सभी विधायक साथियों ने गवर्नर साहब से मुलाकात की और आज जो घटित हुआ है विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोग इस बात गवाह है, जो परिदृश्य सामने आया और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने गवर्नर साहब को ज्ञापन भी दिया और उनसे न्याय की मांग भी की। हमारी संवैधानिक जी महामहिम से घंटी सभी विधायकों ने सम्मानित, आपको बताया संवैधानिक संवैधान का संवैधानिक रूप से अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। हमने मांग भी की है किसी एक पर्यवेक्षक को बनाए जो कि इस प्रक्रिया को पूरी कराए, जो असंवैधानिक रूप से कराई, और उसके बाद हमने तय किया कि इसके संवैधानिक पहलुओं पर भी हमें विचार करना चाहिए, विधिवेत्ताओं से राय लेना चाहिए, न्यायालय में जा सकता।